हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जानने के लिए कर रही हूँ कि आपके लाइफ में अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है फुलफ़िल, आपके पार्टनर आपसे प्यार कर रहे हैं फिर भी वो आपको मैरिज का प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जानेंगे आज हम कि आपके लाइफ से वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ख़त्म होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी। सो ये जो कार्ड्स हैं, ये दो कार्ड्स हैं। पहला पाइल है मेमोरीज ऑफ लव। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, अपने पार्टनर को याद करिए आंख बंद करके। अगर आपके आंख खोलने के बाद आपको ये पाइल अट्रैक्ट करे तो आप इसे चूज़ करिए। दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नंबर 9। आप दोनों में से जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, या फिर आप 1 या 2 नंबर से भी ले सकते हैं। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं दोनों पायल्स के लिए कार्ड्स निकालूंगी। पहले मैं पायल नंबर 1 के लिए कार्ड निकालूंगी, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। पायल नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो कब तक जाएगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके एंजल्स, जिन्होंने भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है, उनके लाइफ में अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, स्ट्रगलिंग लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, या फिर कोई और पर्सन हो, तो क्या सिचुएशन है और वो कब तक जाएंगे, प्लीज़ बताएं क्या सिचुएशन है। उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है। प्लीज़ बताएं, जिन्होंने भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है, क्या उनकी सिचुएशन इम्प्रूव होने का चांस है, क्या थर्ड पार्टी जाने का चांस है, क्या चल रहा है, क्या है उनके पार्टनर के दिल में। कितने कार्ड्स आ गए, आई नीड टू मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, 1 कार्ड आ गया, 1 मोर कार्ड। क्या सिचुएशन है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, थर्ड पार्टी को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए, जिन्होंने भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगडमैन, मजिशियन, हाई प्रिस्टेस। ओके, क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो ये कार्ड तो बनता था, सो आ गया विद हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है पाइल नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो अपनी बातों से उन्हें कंट्रोल करता है, वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि उनकी मॉम हो सकता है उनकी सिस्टर हो, या उनकी भाभी हो, कोई भी हो सकता है। अगर ये कोई और पर्सन है जो कि आपके लाइफ में और उनके लाइफ में बीच में आया है, तो डेफिनेटली ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है। यहाँ पे आपके पार्टनर हर्ट हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, स्टक एनर्जी में हैं। थर्ड पार्टी के लिए अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो वो खुश नहीं हैं, डेफिनेटली फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, डर रहे हैं किसी सिचुएशन में, हाथ बंधा है, आंख बंधा है, सब कुछ एकदम स्टक है इनके वजह से, ये जो भी थर्ड पार्टी है।
अगर ये पेरेंट्स हैं तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इस हालत में देख के खुश तो नहीं होगा, डेफिनेटली मान जाना चाहिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, जिन्होंने भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है, डेफिनेटली आपके साथ वो न्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ वो खुश होते तो वो न्यू स्टार्ट नहीं करते। यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, आपसे वो बात करेंगे, मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। डेफिनेटली पाइल नंबर वन, आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे यहाँ लग रहा है कि उसके साथ आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है द मजिशियन, साथ ही में आया है किंग ऑफ कप्स, हैंगडमैन। अगर पेरेंट्स इशू थे तो वो अपनी बातचीत से, अपने कम्युनिकेशन से, इमोशन से वो अपने पेरेंट्स को मना लेंगे और उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको अपना लव ऑफ़र करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज या कॉल करेंगे, आपको गिफ्ट दे सकते हैं, डेट पे ले जा सकते हैं, आपके लिए क्विकली कोई स्टेप लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली डिसीजन लेंगे। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की विद द मजिशियन। वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, दिमाग से सोचने वाले। आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर वन कि वो उनके पेरेंट्स हैं। डेफिनेटली उनका कोई फादर फिगर है जो कि जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो उसको कन्विंस कर लेंगे। कन्विंस करके वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। बैलेंस आएगी आपकी सिचुएशन में। जो भी थर्ड पार्टी है इस केस में, मुझे यहाँ पाइल नंबर वन के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हों, सिंगल हों, डिवोर्सी हों, विडो हो सकती हैं, हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल्स की रीडिंग है या कमिटेड की है, ये मैरिड लोगों के लिए भी है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, डिवोर्स दे रहे थे या झगड़ा हुआ था, कोई भी रीज़न था किसी भी पर्सन की वजह से, तो यहाँ पे पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी लाइफ में चांसेस है कि उनके पार्टनर बहुत जल्द आएंगे। वो भी सैड एनर्जी में है, डेफिनेटली खुश नहीं है आपसे दूर होके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है बहुत क्विकली आपकी तरफ, आपका डिवाइन टाइमिंग पूरा हो रहा है, लक आपके साथ है, बहुत क्विकली आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है, मैसेज या कॉल आने वाला है, आपका रियूनियन बहुत जल्द हो सकता है। अभी एट प्रेजेंट आपके पार्टनर पूरी तरह से सेल्फ फोकस्ड हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपना ध्यान रखना, अपना काम करना, अपना पैसे कमाना, लेकिन साथ ही में वो आपको विश कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, आपको हर सुख सुविधा वो देना चाहते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया, दुखी किया, वो खुद भी खुश नहीं है, वो खुद भी सैड एनर्जी में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, अपने पेरेंट्स से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। फाइनेंसेस अगर इम्प्रूव नहीं थे तो डेफिनेटली उन्होंने अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आपको अपना इमोशन, अपना फीलिंग जो उन्होंने दबा के रखा है वो बहुत जल्द एक्सप्रेस करेंगे, आपको अपना कप ऑफर करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर वन के लिए। पाइल नंबर वन के लिए मैं देखती हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, उनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कितने दिन के अंदर, पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, कितने दिन के अंदर हो सकता है ये, कितने दिन के अंदर हो सकता है ये भी आना चाहता है। पहला कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सैक्रिफाइस, सैक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, मूविंग ऑन, यूनिवर्स। डेफिनेटली
यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है वो है 5, ठीक है। 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स, ठीक है, या 5 मंथ्स। यहाँ पे 5 नंबर इम्पोर्टेंट है इस पाइल के लिए। यहाँ पे उनकी तरफ से वो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन आपसे अगर कुछ रूड बात उन्होंने की थी पास्ट में तो अब वो याद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपसे उस बात के लिए वो सॉरी बोलें या ना बोलें, वो आपसे डेफिनेटली सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव, वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो याद कर रहे हैं, आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया, सेक्रीफाइस किया उन्होंने आपको किसी सिचुएशन की वजह से, हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उन्होंने अपने लाइफ में देखे हैं, लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्स है आपके साथ, यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, यूनिवर्स उनको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, साइंस मिल रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी क्लैरिटी उनको चाहिए थी वो उनको मिल रही है, उनका विजन क्लियर हो रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इशारा मिल रहा है, इंट्यूशन अपना सुन रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पूरी तरह से सिंगल एनर्जी में हैं, कोई थर्ड पार्टी इस समय उनके लाइफ में नहीं है, और अगर है भी तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, अपने पैसों पे, अपने खान पान पे, अपनी हेल्थ पे, अपने रहन सहन पे पूरी तरह से फोकस्ड है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। टैरो से भी हमारे पास आया था एस ऑफ कप्स, यहाँ से भी आया एस ऑफ कप्स, आपके साथ बहुत जल्द न्यू स्टार्ट करेंगे, आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड होगी, एंजल्स को थैंक यू कहिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए, अगर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है तो। एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं फाइल नंबर 1 के लिए? ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी सिचुएशन में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है आपको सही जानकारी ना मिली हो सकता है आप शक करे हों, गलत इन्फॉर्मेशन, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी हो और आप दोनों का झगड़ा हो गया हो, लड़ाई हो गई हो सकता है कोई बीच में फ़ायदा उठा रहा हो, सही इन्फॉर्मेशन का गाइडेंस आया है। देयर समथिंग बेटर, आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला है, आपको रेडी रहना है, ट्रस्ट, भगवान पे ट्रस्ट करिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे फोकस करिए, आपका इंट्यूशन सब सच बताएगा आपको। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट करे, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1। सो मिलते हैं दूसरी रीडिंग पे, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया था नंबर 9, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ कि आपके पार्टनर की अभी करंट सिचुएशन क्या है, अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी में वो थे तो या हैं अभी, और आने वाले समय में वो कब तक आपके पास रिटर्न आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वो आएंगे आपकी तरफ वापस या नहीं आएंगे। सो रीडिंग शुरू करते हैं। ओके एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए करंट सिचुएशन बताएं, उनके पार्टनर की कौन है थर्ड पार्टी, क्या चल रहा है, पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर, क्या वो वापस आएंगे, क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे एक कार्ड लूँगी मैं, क्या सिचुएशन चल रही है उनकी करंट, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर की अभी करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी अगर उनके लाइफ में कोई है तो वो कौन है, क्या सिचुएशन चल रही है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी के साथ क्या उनका सिचुएशन अभी चल रहा है, मेरे व्यूअर को लेकर क्या कोई आने वाले समय में वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आने का चांस बन रहा है, या मेरे व्यूअर को मूव ऑन कर लेना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके फाइन, बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ मैसेज आने वाला है, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, वेरी गुड।
सो यहाँ पे है पहला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। इतना सब होगा तो हिम्मत रखने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। सो यहाँ पे साइन सभी हैं, यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है, यहाँ पे हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से लियो स्ट्रॉन्ग है, साथ में बॉटम है हमारे पास तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी साइंस हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नहीं लग रहा कि अब अवेलेबल है इस पाइल में, जिन्होंने भी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी थी वो उनका पैसा था, ऐसा मुझे लग रहा है। पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर पागल बोलते हैं ना, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम नहीं करूँगा तो खर्चा कैसे उठाऊँगा, इस तरह का नेचर हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो जा चुकी है, डेफिनेटली जा चुकी है 210%, क्योंकि यहाँ पे आया है द टावर विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड, एंडिंग हो चुकी है थर्ड पार्टी की, जजमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपके लाइफ में पाइल नंबर टू, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है तो आप पाइल नंबर वन चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर टू में थर्ड पार्टी है पैसा। यहाँ पे आपसे उन्होंने लड़ाई की है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही ही ना हो और आपने उनसे झगड़ा कर लिया हो किसी की बातों में आके, या फिर वो आपको समय नहीं देते थे, स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कॉल मैसेज नहीं किया, आपको रिप्लाई नहीं किया, आपने उनसे कह दिया यार आप मेरे पे ध्यान नहीं देते हो, आपको मेरी चिंता ही नहीं है, आप सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हो। लेकिन डेफिनेटली वो जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, उन्होंने सक्सेस अचीव की है, उनका मेहनत जो भी था वो रंग लाया है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली वो सब अचीव कर लिए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप अभी तक उनके लाइफ में नहीं हो, इस बात का उनको एहसास है। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन था, अगर वो मैरिड थे या ऐसी कोई बात थी, तो उनकी फैमिली टूट रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ उनकी, आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी कोई और पर्सन था तो वो ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर खुश नहीं है, डेफिनेटली बहुत सैड एनर्जी में है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, या तो कोई टेंशन है, या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो उनके लाइफ में एंडिंग हुई है, एक टफ साइकिल एंड हुई है, एक पूरा साइकिल उन्होंने देखा है, कार्मिक लेसन्स लिए हैं, हो सकता है आपको छोड़ के गए हों, किसी के साथ उनका कार्मिक रिलेशन रहा हो, वो डेफिनेटली उस लेसन को लिए और अब उनके लाइफ में टावर मोमेंट आया। हो सकता है किसी का डिवोर्स हो रहा हो, किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रहा हो। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी वो एंड हो रही है इस पाइल के लिए। जजमेंट का कार्ड आया है, आपके रिलेशनशिप में जजमेंट होगी भगवान की तरफ से। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको अपना इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत दिनों से उन्होंने कुछ बातें दबा के रखी हैं अपने दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार उन्होंने किया है, पेरेंट्स से काफ़ी बातचीत की है, प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी बनाई है। अगर पेरेंट्स की वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं बढ़ पा रहा था तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में। जो भी आपके साथ उन्होंने किया वो गिल्ट में है, उनको पछतावा है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, डेफिनेटली पास्ट में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है लाइफ में कोई और पर्सन रहा हो लेकिन वो अब जा चुका है, क्योंकि यहाँ आया है जस्टिस। डेफिनेटली थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है, उन्होंने आपसे ये बात छुपाई है, हो सकता है आने वाले समय में वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करें, आपको सच्चाई बताएं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा चुकी है,
और आपके लाइफ में वो एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द। सूर्य आपकी तरफ निकलेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, बात होगी आपसे, सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट होगा आपके रिलेशनशिप में। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग है पाइल नंबर 2। अब मैं देखती हूँ जिन्होंने फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूअर की तरफ कब तक आ जाएंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। टू मोर कार्ड्स। वन मोर कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन। कब तक आएंगे। यहाँ पे ये दो कार्ड्स भी आना चाहते हैं, मैं लूँगी इन्हें। बैलेंस नंबर 11 के पहला कार्ड है आपका, अगेन बातचीत होने वाली है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन होने वाला है। थर्ड आई चक्रा, डिसरप्शन टावर, बैलेंस, वेटिंग गेम, पावर एंड मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8। पाइल नंबर 2 आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स या 8 मंथ्स के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे बात कर सकते हैं, आपकी लाइफ में जिस भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, ब्रेकअप सिचुएशन हुई थी, ब्रेक थ्रू आया था, वो आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, डेफिनेटली उनका विजन क्लियर हुआ है, उनके आँखों पर से पट्टी हटी है। काफ़ी इंतज़ार आप लोगों ने किया है इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार आपने किया है। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, पास्ट में उनके पास ऑप्शंस थे, हो सकता है कोई और पर्सन रहा हो सकता है पेरेंट्स बीच में आ रहे हों, हो सकता है काम उनका ऑप्शन रहा हो कि आपकी तरफ उन्होंने कम ध्यान दिया। जो भी चॉइसेस थे, जो भी डिसीजन थे, आपने बहुत इंतज़ार किया, उन्होंने भी बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब उनका विजन क्लियर हो रहा है। जिस भी वजह से आपकी झगड़ा लड़ाई हुई, वो बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और वो करेंगे, हिम्मत जुटा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं थे तो अब वो बैलेंस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अर्न किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी लाइफ में इस समय बैलेंस सिचुएशन में हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत केयरिंग है, फर्म फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। उनको एक डर है कि आप मूव ऑन कर लिए हो या कर लोगे, आप इन्हें छोड़ दोगे, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आप भी इनको छोड़ के चले जाओगे, अंदर अंदर ये डर इनको सता रहा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस्ड हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, ये बात उनको एहसास हो रही है, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में यहाँ पे पाइल नंबर 2 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8 आवर्स, 8 डेज या 8 वीक्स के अंदर आपकी विश पूरी होगी। डेफिनेटली फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आपने चूज़ किया है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। एंजल गाइडेंस लूँगी मैं आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस निकल के आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है। एक कार्ड आ रहा है, दो कार्ड आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो, इंतज़ार कर रहे हो। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अप टू यू,
डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि अब आएगा तो मैं ही नहीं रेडी होंगी, वो क्या रेडी होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जैसा मैंने कहा, 8 मंथ्स, 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। कुछ लोगों को अगर लगता है कि उनको अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं करना है, वो अपने आगे मूव ऑन कर चुके हैं, अपने लाइफ में खुश हैं, तो वो आपका डिसीजन है। ऐसा एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जो लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, जो भी मेडिटेशन किया, जो भी आपने भगवान पे ट्रस्ट किया, सरेंडर किया, आप रेडी हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, रेजोनेट होती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल टैरट विद एम सिंह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।